हेलो फ्रेंड्स, द डॉक्यूमेंट्री फैक्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप ऐसे खबर हमेशा सुनते होंगे जिसमें टाइगर ने किसी इंसान की जान ले ली या किसी भालू ने किसी इंसान को मार डाला। हमारे देश में इस तरह की घटना होती रहती है। हमारे देश के कई इलाके जंगलों से ढके हुए हैं, तो इंसानों और जानवरों का आमना सामना होता रहता है और होता रहेगा। आपका सामना भी किसी जंगली जानवर से हो सकता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कुछ सर्वाइवल टिप्स, तो प्लीज़ अंत तक इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैं कुछ सावधानी और तरीके बताऊंगा जिससे जंगल में आपके बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आज मैं जो सर्वाइवल टिप्स देने वाला हूँ वो किसी न किसी सर्वाइवर के एक्सपीरियंस पर आधारित है। इस वीडियो में सर्वाइवर्स के एक्सपीरियंस के कुछ खास पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले ये जान लीजिए, भारत में आपका सामना किन जंगली जानवरों से हो सकता है। टाइगर, भालू, लेपर्ड, लॉयन, एलिफेंट, जंगली सुअर और भेड़िए। सबसे पहली बात, अगर आप कभी भी ट्रैकिंग के लिए जंगल में जाते हैं तो अपने साथ पेपर स्प्रे या चिली स्प्रे जरूर रखें। जब आपका सामना किसी जंगली जानवर से होगा तो पेपर स्प्रे से आपके बचने के चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं। लेकिन एक बात गौर से सुने, मैंने कहा पेपर स्प्रे तभी काम आएगा जब जानवरों से आपका आमना सामना होगा। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने शिकार का पीछा करते हैं, वो आपको पेपर स्प्रे का उपयोग करने का बिल्कुल ही मौका नहीं देंगे। अब आपको ले चलते हैं सुंदरबन के जंगलों में, जो भारत और बांग्लादेश के डेल्टा क्षेत्र में फैला हुआ है। ये वो इलाका है जहाँ इंसानों और बाघों का सबसे ज़्यादा आमना सामना होता है। बाघ हमेशा घात लगाकर शिकार करते हैं, मतलब जब बाघ आपका शिकार करेगा तो वह धीरे धीरे आपका पीछा करेगा और मौका मिलते ही आपके गर्दन के पीछे अटैक करेगा। सुंदरबन के लोग बाघ से बचने के लिए मुखौटे या मास्क पहनते हैं और ये मास्क सर के पीछे लगाते हैं। तब बाघ को ऐसा लगता है कि आप उन्हें देख रहे हैं। इस तरीके से इंसान और बाघों के बीच होने वाले संघर्ष में 90% तक कमी आई है। लेकिन कभी बाघ से आमना सामना हो तो आपको कैसे बचना है, ये मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। उससे पहले हाथी के बारे में बताता हूँ। दुनिया की 60% जंगली एशियाई हाथी भारत में है, तो इंसानों और हाथियों का आमना सामना भी सबसे ज्यादा हमारे देश में होता है। हाथियों से बचने के लिए हाथियों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों जान लेना चाहिए। हाथियों के एडवांटेज, ये लंबी दूरी तक एक ही स्पीड में दौड़ सकते हैं। इनकी सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि इनकी नज़र कमजोर होती है। हाथियों की नज़र इंसानों से बहुत कमजोर होती है। अगर आपका सामना हाथी से होता है तो पेपर स्प्रे 100% तक काम करेगा। लेकिन जब आपके पास पेपर स्प्रे नहीं है तो कुछ मत सोचो, बिना टाइम वेस्ट किए भागो वहां से। लेकिन एक बात का ध्यान दें, आपको सीधे नहीं भागना है। मैंने पहले ही कहा है हाथी लंबी दूरी तक दौड़ सकते हैं, तो आपको भागते समय ज़िगज़ैग डायरेक्शन में भागना है या भागते समय बार बार अपनी डायरेक्शन बदलना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि हाथियों की नज़र कमजोर होती है। अब बात करते हैं जंगली सुअर की। जंगली सुअर के हमले के बारे में आपने भी सुना होगा। जंगली सुअर के केनाइन दांत बहुत ही घातक होते हैं, इसलिए इनकी बाइट बहुत ही खतरनाक होती है। ये आपको बुरी तरह घायल कर सकते हैं या आपकी जान भी ले सकते हैं। अधिकतर केसेस में ये आपको देखकर खुद भाग जाएंगे। लेकिन किसी एडल्ट जंगली सुअर के साथ उसके बच्चे हो तो ये बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, तब ये आप पर जरूर हमला करेंगे। यहाँ पर भी पेपर स्प्रे काम आ सकता है। लेकिन जब आपके पास पेपर स्प्रे न हो तो ऐसे समय में आप जल्दी जल्दी किसी ऊंची जगह पर चढ़ जाएं, जैसे कि कोई पेड़ या चट्टान। उसके बाद इनके जाने का इंतजार करें। ये जब भी हमला करेंगे तो ये आपके पैर पर हमला करेंगे और आपको गिराने की कोशिश करेंगे। ऐसे केसेस में आप किसी नुकीली चीज या लकड़ी से इनके चेहरे पर हमला करें, पर सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप पेड़ या किसी ऊंचे चट्टान पर चढ़ जाएं। अब बात करते हैं जंगली भेड़ियों की। भारत में इंसानों और भेड़ियों का आमना सामना बहुत ही कम होता है, क्योंकि यहाँ के ग्रे वुल्फ साइज में छोटे होते हैं। अगर यूरोप और अमेरिका के ग्रे वुल्फ की बात करें तो वो साइज में बड़े होते हैं और इंसानों पर हमला भी करते हैं। लेकिन भेड़िया बहुत ही समझदार और शर्मीला जीव है, ये आपको देखकर खुद ही भाग जाएगा। ये हमला करे तो पेड़ पर चढ़ जाओ या किसी लकड़ी से इन पर हमला करो, ये एक या दो बार से खुद भाग जाएंगे। अब बात करते हैं लेपर्ड्स की। लेपर्ड्स बहुत ही रहस्यमय जीव है। लेपर्ड्स छुप कर रहने में इतने माहिर हैं कि ये किसी कॉलोनी में छुप कर रह सकते हैं और शहर के लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनके आसपास तेंदुआ है। तेंदुए से बचना आसान नहीं है, क्योंकि आप इनसे तेज दौड़ नहीं सकते, और अगर आप पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं। पर घबराने की बात नहीं है। पहली बात, तेंदुए जंगलों में जवान लोगों पर हमला नहीं करते हैं, ये आसान शिकार ढूंढते हैं, जैसे इंसानों के बच्चे। भारत में तेंदुए के अधिकतर हमले बच्चों पर ही होते हैं, तो अगर जंगल में जाते हैं तो सर के पीछे मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि सभी बड़ी बिल्लियां पीछा करके ही शिकार करती हैं। पेपर स्प्रे, चाकू या लाठी जरूर रखें।
भारत के जंगलों में जंगली शेर सिर्फ गुजरात के गिर फॉरेस्ट में बचे हुए हैं, तो आपका सामना इनसे शायद ही होगा। और भारत के शेर इंसानों से घुल मिल गए तो ये बहुत कम इंसानों पर हमला करते हैं। आपका सामना जंगली शेरों से अफ्रीका में हो सकता है। सभी बड़ी बिल्लियों से बचने का तरीका एक ही जैसा है। अगर कोई बड़ी बिल्ली जैसे कि टाइगर, लॉयन या लेपर्ड आपके सामने हो तो क्या करें और क्या ना करें। पहला पॉइंट, कभी भागो मत, क्योंकि शिकारी जीव हर भागते हुए जानवर को अपना शिकार समझते हैं और आप बड़ी बिल्ली से ज्यादा तेज नहीं भाग सकते। दूसरा तरीका, जब टाइगर, लॉयन या लेपर्ड आपके सामने हो तो अपने पैरों और हाथों को फैलाओ और अपने आप को इनसे बड़ा दिखाने की कोशिश करो और जोर जोर से आवाज लगाओ। ऐसा करने से बड़ी बिल्लियां आपको अपना शिकार नहीं समझेंगी और आपके बचने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। जब जानवर आपके सामने हो तो पीछे मुड़कर अपना पीठ मत दिखाना, क्योंकि ऐसा करना डायरेक्ट इंडिकेशन है कि आप उनके शिकार हो। चौथा पॉइंट, इनके सामने कभी झुकना नहीं। झुकना यह इंडिकेट करता है कि आप उनसे कद में छोटे हो और एक कमजोर शिकार हो, तब ये जरूर आप पर हमला कर देंगे। पांचवा पॉइंट, जब आपके सामने कोई बड़ी बिल्ली हो तो उन पर नज़र रखो, पर उनसे नज़र मत मिलाओ। बड़ी बिल्लियों से नज़र मिलाने का मतलब होता है कि उनको लड़ने के लिए चैलेंज करना। तो ध्यान रहे, हमें टाइगर या लॉयन को चैलेंज नहीं करना है, हमें उन्हें डराने की कोशिश करना है या फिर उन्हें कंफ्यूज करना है। बड़ी बिल्लियों से ज़्यादा हमले हमारे देश में भालू करते हैं, और भालू सबसे अनप्रिडिक्टेबल जीव है। ये पीछे से भी हमला कर सकते हैं, सामने से भी हमला कर सकते हैं और बहुत तेज दौड़ भी सकते हैं। ये पेड़ों पर भी आसानी से चढ़ सकते हैं। तो ऐसे समय में वही ट्रिक अपनाएं जो मैंने बड़ी बिल्लियों के लिए आपको बताया है। कुछ लोग सांसें रोककर मरने की एक्टिंग भी करते हैं, लेकिन ये हमेशा काम नहीं आती। लकड़ी, चाकू या और कोई नुकीली चीज से इनके नाक पर हमला करें। हाथी के अलावा किसी भी जानवर से आपका सामना हो तो कभी भी भागो मत। धीरे धीरे खिसकते हुए इनसे जितना दूर जा सको उतना दूर जाओ। दोस्तों, ये सभी टिप्स आपके भी काम आ सकती है, लेकिन ये सभी टिप्स इमरजेंसी कंडीशन के लिए हैं। आप इसे आजमाने के लिए जंगल में मत चले जाना। मैंने पहले ही कहा है, सर्वाइविंग टिप्स आपके बचने के चांसेस बढ़ाते हैं, ये बचने की 100% गारंटी नहीं है। तो जब भी ट्रेकिंग पर आप जाए तो साथ में पेपर स्प्रे, चाकू और लंबी मजबूत स्टिक जरूर रखें। हमारे देश में जंगलों में गन ले जाना अलाउ नहीं है, तो प्लीज नेचर की रिस्पेक्ट करें। अगर आप जंगल में हैं तो आप जानवरों के इलाके में हैं, यहाँ पहली गलती आपकी ही होगी, जानवर की नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।